जिओ पॉलिटिक्स रे सबुठारु चर्चार खोराक जोगेइछि भारत पाकिस्तान रो संपर्क पड़ा नहीं वातावरण गोटे पटे इमरान खान को मोदी शुभकामना त्वरितगति कोविड रु किपरि इमरान खान मुक्ति पातु यही कामना जेतेबेले जणाइछन्ति सेतेबेले पाकिस्तान पटु मध्य यार प्रतिक्रिया आसिबा आरंभ हो जाइछि। तबे सबुठ बड़ कथा शांति एवं सौहार्द्यपूर्ण वातावरण पाई पाकिस्तान जो इच्छा जाग्रत करी भारत सह केमिति जाग्रत करछि काहिकि जाग्रत करछि एहा जानिबा पूर्वरु केवल गोटे कथा जाणि रखिबा दरकार जे पाकिस्तान रो 23 मार्च दिन पाकिस्तान नेशनल डे उत्सव अनुष्ठित होइतला। तबे एथि पूर्वरु भारतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक चिठी पाकिस्तान रे चहल पकाइछि। एही चिठीर जवाब रे पाकिस्तान रे विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया प्रकाश पाई एवं पाकिस्तान रो मंत्री असद उमर मध्य ट्वीट करी जणाइछन्ति जे एहा मोदी एक सुचिंतित पदक्षेप एहा बहुत भल कथा कि मोदी पाकिस्तान रो नेशनल डे रे पाकिस्तान को शुभेच्छा जणाइबा सह इमरान को उद्देश्य रे वार्ता प्रेरण करछन्ति। 23 मार्च रे पाकिस्तान रो नेशनल डे अवसर रे भारत राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद मध्य पाकिस्तान को शुभेच्छा जणाइछन्ति। तबे एही अवसर रे भारत प्रधानमंत्री मोदी जो चिठी लिखिछन्ति पाकिस्तान को एथिरे सीधा सड़क केतोटी विषय उपस्थापन करिबारे हेळा करिनांति मोदी। एही चिठी रे मोदी शुभेच्छा रहिबा सह एक चेतावनी मध्य रहिछि बा एक मने पकाई देवा भली केतगुड़िए शब्द मध्य प्रयोग करा जायकि जेमिति कि ए चिठी रे मोदी लिखिछन्ति कि भारत एहार पड़ोसी राष्ट्र मानक सह सबुबले सुसंपर्क रखिबाकु चाहे किंतु एही संपर्क भितरे आतंकवाद रो जगह आदौ नाही आमको मुक्त परिवेश रे एवं परस्पर विश्वास अनुजाई कार्य करबाकु पड़िबो एवं सबुठ बड़ कथा संपर्क भरोसा बढ़िबा पई आतंक मुक्त परिवेश निहाति आवश्यक। तबे एते गुडे शब्दर प्रकरण रे मोदी कहिबाकु चाहिचंती कि पाकिस्तान भारत संपर्क बढ़ू किंतु एहा पूर्वरु पाकिस्तान आतंकवाद विरुद्ध रे कड़ा पदक्षेप उठौ आतंकवाद मुक्त पाकिस्तान करिबा पई चेष्टा आरंभ करू एवं आतंकवाद रो मूलोत्पाटन करी पाकिस्तान जहाँ सह विश्व संपर्क रखा चाहिए से माने पाकिस्तान को स्वीकार करेंगे आ खास करी पड़ोसी राष्ट्र हिसाब से भारत मध्य एक स्वीकार कर तेणु पाकिस्तान उपरे बा पाकिस्तान कोर्टे बल बोली जहाँ कहुची कि पाकिस्तान को भी चिंता करिया दरकार कि भारत भली पड़ोसी राष्ट्र सह द्विपाक्षिक संपर्क बढ़ेवा को हेले आतंकवाद नामक जो मुद्दा रही जो समस्या रही यार समाधान खोजा प्रथमे आवश्यक। तबे सबुठ बड़ कथा 20 मार्च दिन पाकिस्तान प्रधानमंत्री को कोविड जनित जो दुर्दशा भोगिथिले इमरान खान एथिपई शुभकामना जनाइथिले कि शीघ्र से मुक्त हो जांतु। सूचना थाउ कि चीनी वैक्सीन दबार 48 घंटा परे परे कोरोना पॉजिटिव बोली पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव बोली खबर आसीथला। एहा परे परे तंकर पत्नी दुसरा बीबी को मध्य कोविड होइथिबार जणा पड़ला। तो सबुठ बड़ कथा चीनी वैक्सीन नहीं कोविड हवा जेतिकि पाकिस्तान रे चांचल्य खेई देछि सेतिकि खुशीर माहौल बांटिकि प्रधानमंत्री मोदी चिठी एहाकु पाकिस्तान मंत्री माने मध्य स्वागत करिछन्ति। एतिपद्वरु पाकिस्तान सेना मुख्य बाजवा मध्य भारत सह द्विपाक्षिक संपर्क जोड़िबा पई आग्रह प्रकाश करिथिले एवं पछ घटना गुडीकु माटीरे पोति देबा पई आह्वान देथिले। आमको आगकु चली दुइ देश मध्यरे कथाबार्ता मध्यरे समाधान खोजिबार प्रयास करा जिबा आवश्यक बोली दाबी करथिले। किछि पाकिस्तानी तो बाजवा को तिरस्कार करी कहिथिले कि बाजवा को आ बिरयानी भल लागुनी भात रोटी डालमा आड़ को ठोड़ बाजवा किंतु आगामी दिन भविष्य को बाजवा देखि पारिछन्ति या सबुठ बड़ जिनस कारण जो चीन सह पाकिस्तान आज जाए संपर्क रखि आसला से ही चीन निजर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अंतर्गत सिपेक कार्यक्रम को नहीं जो भली भाव में पाकिस्तान को हड़प करने को चाहती एक बाजवा स्पष्ट देखिथिले। ता छड़ा चीन सह द्विपाक्षिक संपर्क को व्यापक मात्रा में जोड़ी पाकिस्तान किसी लाभ होना ना तो पाकिस्तान ठीक रे फाइटर जेट पाइला ना तो एफएटीएफ ग्रे लिस्ट रु निजक बुकुले पारा ना तो
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଲା? ଏପରିକି ଚୀନର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସିପକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ବା BRI ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିମୁଖ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହି ଦେଶମାନେ ବି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବେଶକୁ ବାଜୱା ବୁଝିପାରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ବାଜୱା ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୋଟିଏ ବି ଗୁଳି ଫୁଟିନାହିଁ ସୀମାରେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହୁଛି, କେତେ ଦୂର ବଢ଼ୁଛି, କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।